बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कुछ जनरल डिस्कशन करनी है, डेट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम पहले काइनेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि द काइनेटिक्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिटिक रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ टू कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म्स, इली रेडियल मैकेनिज्म्स एंड लैंगमन हेंशलरूड मैकेनिज्म्स। इली रेडियल मैकेनिज्म सजेस्ट दैट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एड्सॉर्ब फॉर्म वाइल अदर इज इन द फ्लूइड फेज। Reactant is in adsorbed form while other is in the fluid phase. तो for example हमारे पास है degradation of methylene blue है। methylene blue degrade in the presence of the catalyst, और catalyst जो हम data discuss कर रहे हैं वो zinc oxide और graphene oxide का catalyst हम use करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये equation बन जाता है ना, रेट इज इक्वल टू एम बी है, एम बी रेट ऑफ एम बी इज इक्वल टू के आर ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब फॉर्म एंड एम बी इन द फ्लूइड फेज। कंसिडरिंग द ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट वी गेट दिस इक्वेशंस, रेट इज इक्वल टू के एम बी एंड एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेट एक्सप्रेशन है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, लॉग एम बी नॉट डिवाइड बाई एम बी टी इज इक्वल टू के वन टी, वेयर एम बी इज द कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू, और एम बी टी इज द कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, और के वन इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और टी इज टाइम। इसी तरह अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एन के बजाय टू ले लेते हैं यानी सेकंड ऑर्डर के लिए, फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, अब इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा पे अप्लाई कैसे करेंगे, यानी इन इक्वेशन में अगर हम देख लेते हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें चाहिए। जनरली किसी भी रिएक्शंस की काइनेटिक स्टडी करने के लिए हमें चाहिए कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें चाहिए। अब इनमें से जो भी मालूम करना हो, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर। तो इस इक्वेशन में अगर हमने ये रिएक्टेंट लिखे हैं ना, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, इस इक्वेशन में भी यही है और इस इक्वेशन में भी यही बात है। यहाँ पर देखिए y एक्सिस पर एम बी टी है, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, x एक्सिस पर टाइम है। इस तरह इस केस में भी कंसनट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एम बी टी, और दूसरी तरफ फिर टाइम है, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास किसी भी रिएक्शन को हमने अगर काइनेटिक स्टडी करनी है तो हमें क्या चाहिए, किसी भी रिएक्टेंट के या किसी भी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब ये कैसे मालूम करेंगे, स्लो रिएक्शन में से है ना, रिएक्शंस जनरली अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शंस। तो ये स्लो रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मेथड में क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल ले लेते हैं और इसको किसी स्टैंडर्ड के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, तो उससे हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करते हैं, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के। और फिजिकल मेथड में क्या करते हैं कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेटेड हो, वो हम मॉनिटर करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल उनमें से एक है पोलरीमेट्री, वो ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं जो पोलर होते हैं, यानी जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंगल ऑफ रोटेशन को डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हम नोट कर लेते हैं, तो एंगल ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो इस कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन से। इसी तरह एक और मेथड कंडक्टिविटी में कंडक्टोमीट्री है, इसमें से कंडक्टेंस नोट कर लेते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें से रिएक्टेंस या प्रोडक्ट की कंडक्टेंस वेरी करते हैं विद डिफरेंट टाइम इंटर, यानी कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड हो, इसमें से कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो अब अगर टाइम के साथ कंसंट्रेशन वेरीज हो रहा है तो इसका मतलब कंडक्टेंस भी वेरी होगा, तो कंसंट्रेशन के बजाय हम कंडक्टेंस को नोट करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो ये भी एक फिजिकल मेथड है। इसी तरह डायलेटोमीट्री है, जहाँ पर वॉल्यूम चेंज यूज़ करते हैं, मैनोमीट्री है, प्रेशर यूज़ करते हैं, विस्कोमीट्री है जिसकी में विस्कोसिटी चेंज, पीएटमीट्री, और मोस्ट कॉमनली है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री,
जिसमें से एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं. एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्बेंस से, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हम एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं. तो अगर हम एब्जॉर्बेंस की टर्म में ले लेते हैं तो इस, चूंकि ये मिथाइलिन ब्लू एक डाई है ना, तो इसने विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करना है. इट शोज एब्जॉर्बेंस इन विजिबल रेंज. सो दिस रिएक्शन कैन बी मॉनिटर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बाय मेजरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस एट लैम्डा मैक्स. तो अगर हम एब्जॉर्बेंस की टर्म में ले लेते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा log a naught over a t or k 1 t, where a naught is the absorbance at time zero, yeah, initially, or a t is the absorbance at different time interval. So ab chunki absorbance is proportional to concentration, to concentration ki jagah par hum ye absorbance value use kar sakte hain. Isi tarah dusri equation ke liye ye aa jata hai. Ab in equation ko kaise apply karte hain, uske liye experimental data. ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है जिसमें से कैटलिस्ट है ZnO और RgO ग्रेफीन ऑक्साइड. ये कैटलिस्ट यूज़ किया गया है. तो इसकी मौजूदगी में मिथाइलिन ब्लू की डिग्रेडेशन 200 ppm इनिशियल कंसंट्रेशन है. तीन डिफरेंट टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर डेटा शो कर रहा है ना. तो ये एब्जॉर्बेंस से स्टार्ट में एब्जॉर्बेंस 2.834 है. 10 मिनट्स के बाद फिर जब एब्जॉर्बेंस देखा गया है तो ये कम हो गई 2.6. 20 मिनट्स के बाद और भी कम. तो इस तरह इट डिक्रीजेस. डिक्रीज किस वजह से? क्योंकि मिथाइलिन ब्लू वो डिग्रेड हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो देयरफॉर इट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. इसी तरह इस केस में हाई दूसरी टेम्परेचर पर इट डिक्रीजेस, तीसरी टेम्परेचर पर डिग्रेडेशन डिक्रीजेस. अब अगर हमने डेटा को शो करना है तो x पर टाइम है, और दूसरी तरफ या हम लेते हैं डिग्रेडेशंस या फ्रैक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशंस. तो अगर हम डिग्रेडेशन में ले लेते हैं, y एक्सिस पर डिग्रेडेशंस हो और x एक्सिस पर टाइम हो. फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया है, कॉपी कर लेता हूँ इधर, और 30, 40 और 50 पर डिग्रेडेशन क्या होनी है, तो यहीं पर मैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डिग्रेडेशन किसके बराबर होगा? चेंज इन द एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. चेंज इन द एब्जॉर्बेंस यानी इनिशियल माइनस एब्जॉर्बेंस एट गिवन टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100. एंड ये होगा चेंज किसके बराबर हुआ? इनिशियल एब्जॉर्बेंस. इनिशियल एब्जॉर्बेंस किसके बराबर है? 30 के लिए. 30 के लिए है 2.834 और माइनस एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. तो वो चूँकि इस सारे कॉलम को हमने यूज़ करना है, तो ये मैं ले लेता हूँ, यानी कॉलम बी में रो नंबर 3 ये है, बी 3 आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस. इनिशियल एब्जॉर्बेंस से 2.834 तो ये हो जाएगा. एंटर कर दिया है और इसको ड्रैग करते हैं, तो ये डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. इस तरह दूसरी के लिए यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी फार्मूला कॉपी कर लिया है और इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और ये फार्मूला एफ एक्स. तो अब यहाँ पर देख लें, ये हो जाएगा सी थ्री. अच्छा, ये इनिशियल एब्जॉर्बेंस भी चेंज होगा, ये भी चेंज करना है ना, इसके लिए 2.82 है, 2.812, और ये भी हो जाएगा 2.812. तो ये है, अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. इस तरह यहाँ पर वही फार्मूले में इधर पेस्ट कर लेता हूँ. अच्छा, पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और ये फार्मूला ये पेस्ट. अब इसमें भी ये एब्जॉर्बेंस यहाँ पर है 2.837 है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ 0.837, और इसने ख़ुद बहुत ले लिया है डी और 3, डी 3 आ गया है, कि डी 3 ख़ुद ले लिया इसने, और ये भी चेंज कर लेते हैं 2.837
3, 7 और एंटर. तो ये एब्जॉर्बेंस, ये डिग्रेडेशंस. यानी 50 मिनट के बाद ये सारा डाइस डिग्रेड हो जाता है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इस तरह हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट, और ये स्कैटर्ड ये ग्राफ हो जाता है. अब इसमें एक्स एक्सिस पर क्या है ये हम लेते हैं, लेआउट में चले जाते हैं, और ये एक्सिस टाइटल प्राइमरी एक्सिस, ये है यहाँ पर क्या है टाइम. टाइम इन मिनट. और वाई एक्सिस पर क्या है ये है डिग्रेडेशन परसेंट. डिग्रेडेशंस और ये है परसेंटेज में. या तो डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, या दूसरी तरह ये भी लेते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसमें भी कर सकते. वो कैसे करेंगे, एक तरफ लेते हैं ये मैंने ले लिया है टाइम, और ये हो गया फ्रैक्शन, यानी कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशंस. तो कंसंट्रेशंस तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं है एब्जॉर्बेंस से, तो फिर हम ले लेंगे एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल और डिवाइडेड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस. इनिशियल एब्जॉर्बेंस क्या है 2.2834. इसी तरह इसके लिए इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल और डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल है 2.812, ये हो गया. और इसी तरह इस केस के लिए भी इज इक्वल टू डिफरेंट टाइम इंटरवल और डिवाइडेड बाय इनिशियल 2.837, ये हो गया. ये इस फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशंस में. ये हो जाएगा, ये हो गया. अब इसमें एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, लेआउट में चले जाते हैं, और ये हो गया टाइम इन मिनट, और दूसरी तरफ रेशो है. ये है ए नॉट ए टी डिवाइडेड बाई ए नॉट है, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, इसी से हम कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारा डेटा अगर हम ले लें, इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इससे अगर हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, देखिए ये एब्जॉर्बेंस ये 200 ppm के लिए है. 200 ppm का एब्जॉर्बेंस है 2.834, या 2.834 ये 200 ppm के बराबर है. तो ये कितने ppm के बराबर हो जाएगा, यानी अगर हम ये से ले लेते हैं 2.834, ये बराबर है 200 ppm के. और फिर अगर एब्जॉर्बेंस हो जाए 2.6313, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी वो हमने फाइंड आउट करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 200
into this और divided by ये इसके बराबर हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस. क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या मतलब, इसी में एक मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक्सेल में ये सब कुछ कर सकते हैं ना. तो क्या करना है, कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, देखिए एब्जॉर्बेंस एट गिवन टाइम मल्टीप्लाइड बाय 200 और डिवाइड बाय इनिशियल एब्जॉर्बेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस 2.613 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू दिस एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स. तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ये होगा इज इक्वल टू क्या है, एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. तो वो एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल ये हो गया, और फिर मल्टीप्लाइड के लिए स्टार यूज़ करते हैं 200 और डिवाइडेड इनिशियल एब्जॉर्बेंस है 2.834. इसी तरह यहाँ पर ये फार्मूले में कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट करते हैं. इसमें सिर्फ ये इनिशियल एब्जॉर्बेंस 2.812 कर लेंगे, 812, और फिर ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर फार्मूला पेस्ट करते हैं. ये हो गया. अब इसमें भी सिर्फ ये इनिशियल एब्जॉर्बेंस यूज़ करेंगे, दोनों के लिए तीनों के लिए इनिशियल एब्जॉर्बेंस वो डिफरेंट वैल्यू इसमें आ गई है 37. ये हो गया. अब इन सब को मैं इकट्ठे ही ड्रैग कर लेता हूँ तो ये कैलकुलेट हो जाए. देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन 200 है और इस तरह ये डिक्रीजेस 200 से 184, 155 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. तो अब ये कंसंट्रेशन को हमने एब्जॉर्बेंस नोट की थी, तो इस एब्जॉर्बेंस को हमने फिर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है. इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ बन जाएगा, जिसमें से एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन एंड पीपीएम. ये है लेआउट, यहाँ पर हो जाएगा टाइम, इन मिनट, और वाई एक्सिस पर क्या होगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एंड पीपीएम. इस तरह मोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में भी ले सकते हैं. तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है. अब इस एक्सपेरिमेंटल डेटा पर ये काइनेटिक इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इस पर काइनेटिक इक्वेशन अगर अप्लाई करने हो, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ. काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक है ये इक्वेशन है log a ओवर a नॉट इज इक्वल टू के वन टी, यानी इसका मतलब कि x एक्सिस पर टाइम लेंगे और y एक्सिस पर log ऑफ a नॉट बाई ए टी, या log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. ये हमारे पास इनिशियल भी है और डिफरेंट टाइम इंटरवल भी है. तो x एक्सिस पर टाइम लेते हैं, ये ले लिया है टाइम ऑन x एक्सिस, और y एक्सिस पर ले लेते हैं, यहाँ पर लेने हैं log ऑफ क्या है, log ऑफ a नॉट इनिशियल एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. सो इज इक्वल टू log इनिशियल एब्जॉर्बेंस. इनिशियल एब्जॉर्बेंस क्या है, 2.834, ये 2.30 पर 2.834 और डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, वो इस सारा कॉलम है 0 टाइम से लेकर 60 तक. तो चूंकि हमने ये सब के लिए यूज़ करना है तो फिर ये वैल्यूज सिर्फ पुट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर ये क्लिक करते हैं, यानी बी और रो नंबर 43, ये आ गया बी 43, यहाँ पर भी ये बी 43. अब ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ये हो गया.
इसी तरह यही दूसरे केस में भी करते हैं, इस केस में भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट इनिशियल एब्जॉर्बेंस 2.812 डिवाइडेड बाय और एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, वो ये सारा कॉलम है। इसलिए मैं यहाँ पर ये है सी कॉलम और रो नंबर 43, तो या तो C43 लिख ले या इधर क्लिक कर ले, C43 खुद इसमें आ जाता है। ये हो गया। और इस तरफ 50 पर भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.837837 और डिवाइडेड एट कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो यही है एंटर। अब ये सब ड्रैग कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 50 के बाद कंसंट्रेशन जीरो है, तो इसलिए 50 के बाद ये वैल्यूज नहीं दे रहे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ये है ना, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप रेट कॉन्स्टेंट K1 के बराबर है। तो इस पर मैं स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर लेता हूँ। स्ट्रेट लाइंस ये हो गया, स्कैटर्ड इन दिस ये हो गया। अब इसमें एक्स एक्सिस पर क्या है, ये फोल्ड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे है टाइम, इन मिनट और वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर है लॉग ऑफ ए ओवर ए नॉट, लॉग ए नॉट ओवर ए टी ये हो गया। अब ये रेट कांस्टेंट यहाँ पर ये देखिए स्लोप इसका है K1 के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर है, तो हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए पहले ये ले लेते हैं, राइट क्लिक ऐड ट्रेंड लाइन लीनियर और सेट इंटरसेप्ट 0, डिस्प्ले आर स्क्वेयर और इक्वेशन और आर स्क्वेयर। ये हो गया किसके लिए, 30 के लिए, 30 पर रेट कांस्टेंट है 0.0252। अब ये एक वैल्यू ये वाली ये बाहर जा रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये आउट ऑफ रेंज है, तो मैं इस वैल्यूज को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि ग्राफ सही बन जाए ना। अब इस तरह ये दूसरी के लिए, इसमें भी एक ये वैल्यूज आउट ऑफ रेंज है, ये बहुत बाहर जा रही है, तो ग्राफ को सिंपल करने के लिए ये वैल्यूज भी मैं डिलीट करता हूँ, तो अब ग्राफ सीधा हो जाएगा। ये 30 के लिए ये हो जाएगा एट ट्रेंड लाइन और लीनियर इंटरसेप्ट 0, डिस्प्ले आर स्क्वायर और इक्वेशंस। तो ये हो गया 40 के लिए, अब 40 के लिए 0.03 यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये था 0.0199, अब ये हो गया 0.0322, उससे बढ़ गया है ना। इस तरह 50 पर और भी रेट कांस्टेंट ये इंक्रीज हो जाएगा ना। ये लीनियर सेट इंटरसेप्ट 0, डिस्प्ले इक्वेशन और डिस्प्ले आर स्क्वायर, तो ये हो गया तीसरे टेम्परेचर पर 0.322 नहीं, ये है 40 के लिए, ये 40 के लिए है और ये 50 के लिए है। तो ये हमने तीन ये इस डेटा पर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई कर दिया है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट आ गए हैं, यानी टेम्परेचर अगर हम लेते हैं 30 है, 40 है और 50 है, तो 30 पर रेट कांस्टेंट क्या है, वो है 0.0199। इस तरह 40 पर क्या है 0.0322 है, और इस तरह 50 पर है 0.0484 ये हो गया।
So with temperature the rate constant ये इंक्रीज हो रहे हैं और इसके लिए हम फिर रेट और ही इस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ही इस इक्वेशन क्या है वो आप लोग जानते ही हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हम इधर देख लें और ही इस इक्वेशंस ये है ना, के इज इक्वल टू ए ई एक्सपोनेंट आर टी, ये और ही इस इक्वेशन है। तो इसका लीनियर फॉर्म क्या होगा, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए और माइनस ई ए ओवर आर टी, ये इसका लीनियर फॉर्म हो जाएगा। इसमें अगर कहीं गिवन हो तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में ये इसका लीनियर फॉर्म है लॉग ऑफ के वर्सेस वन ओवर टी। तो इसका स्लोप ई ए ओवर आर के बराबर है ना, तो हमारे पास टी भी है और वन ओवर के की वैल्यू भी है। तो इसका अगर हम एक तरफ वन ओवर के ले लें और दूसरी तरफ वन ओवर टी ले लें तो इसके स्लोप से हम आ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक तरफ हम के लेते हैं इज इक्वल टू वन ओवर टी और यानी टेम्परेचर और वो टी है केल्विन में। सो 273 प्लस ये है 30 इंटर, ये 30 के लिए हो जाएगा। इस तरह ड्रैग करते हैं ये 40 के लिए, ये 50 के लिए और दूसरी तरफ करते हैं लॉग ऑफ के ये के हैं ये इंटर। अब सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लॉट कर लेते हैं। इंसर्ट, ये हो गया अरहेनियस इक्वेशंस, अरहेनियस प्लॉट जिसके एक्स एक्सिस पर होगा वन ओवर टी और वाई एक्सिस पर लॉग ऑफ के एट ट्रेंड लाइन। और क्योंकि अब इसमें इंटरसेप्ट जीरो प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, वो तो इसका इंटरसेप्ट है उसमें, तो इसलिए यहाँ पर हम जीरो प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन ये स्लोप हो जाएगा ना, तो इस स्लोप से ये स्लोप किसके बराबर है, इसका स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर, माइनस ई ए ओवर आर इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पर ये स्लोप माइनस है तो उसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और ई ए ओवर आर इज इक्वल टू दिस। तो अगर इसको आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी यहाँ पर है ई ए और आर, ये स्लोप है ना। तो इस स्लोप के साथ अगर हम आर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ई ए हो जाएगा ना, तो इसको इसी स्लोप को आर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इज इक्वल टू आर, आर है 8.314 और मल्टीप्लाइड स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है 4351.6। अब अगर इसको हम डिवाइड करें 1000 से तो इसका आंसर किलो जूल में आएगा, ये जूल में आएगा, तो डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा किलो जूल्स। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए है 36.1792 किलो जूल पर मोल। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसी तरह सेकंड ऑर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर का क्या है कि एक तरफ हम लेते हैं 1/80 और दूसरी तरफ टाइम लेते हैं 1/ एब्जॉर्बेंस, यही अगर हम कहीं से ले लेते हैं ना, ये हो गया एब्जॉर्बेंस ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम है तो यहाँ से हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर टाइम हो गया और तीन टेम्परेचर है तीनों को इकट्ठे ले लेते हैं। ये वाई एक्सिस पर है 1/a एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, यहाँ पर ये 1/a एब्जॉर्बेंस या 1/c है, कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन को हमने मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस, तो 1/ एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/ एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, ये है इंटर। इस तरह इसके लिए भी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। इस तरह इस केस में भी इज इक्वल टू 1
डिवाइडेड बाई एब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, ये हो गया। इसको ड्रैग करते हैं, ये हो गया, और ये ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू निकाल लेते हैं। उसमें से भी ये वैल्यू निकाल ली थी फर्स्ट में और ये भी रिसीव, तो इसलिए यहाँ से भी काट कर लेते हैं ताकि रेड स्ट्रेट लाइन सही बन जाए। तो ये हो जाएगा। अब इस पर अप्लाई कर लेते हैं एड ट्रेंड लाइन। अब इसमें भी इंटरसेप्ट को ज़ीरो नहीं रखना है क्योंकि उसमें तो इंटरसेप्ट है ना, ज़ीरो तो नहीं है, यानी इस केस में ये इंटरसेप्ट है ए नॉट, तो इसलिए ये ज़ीरो नहीं रखेंगे, ये वाला एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 के लिए, इस तरह ये 40 के लिए, और ये 50 के लिए, और ये इसके रेट कॉन्स्टेंट हो गए, ये 50 के लिए, ये 40 के लिए, और ये 30 के लिए। ये रेट कॉन्स्टेंट 0.015 30 पर, 0.0355 बढ़ गया है, और 0.0547। अब हमने दोनों मॉडल अप्लाई किए हैं ना, तो दोनों तो नहीं हो सकते ना, सेम डेटा को तो एक ही मॉडल अप्लाई होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कौन सा मॉडल इस पर मोर एप्लीकेबल है? तो उसके लिए हम आर स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर देख लिए आर स्क्वायर वैल्यू 0.8 है, 0.9 है, 0.9 है। तो जिस मॉडल की, जिस ग्राफ की जीरो आर स्क्वायर वैल्यू 1 के करीब हो तो वो मोर एप्लीकेबल समझा जाता है। इसमें 0.98 है, ये 0.93 है, और 0.89 है। इसमें देख लेते हैं 0.83 है, इधर था 0.89 30 के लिए, तो इसका मतलब 30 पर ये फर्स्ट ऑर्डर मोर एप्लीकेबल है। 40 पर ये 0.79 है, इधर 0.9 है, तो 40 पर भी ये फर्स्ट ऑर्डर मोर एप्लीकेबल है। इस तरह 50 पर 0.8 है, और यहाँ पर क्या है, ये 0.9 है इसकी आर स्क्वायर वैल्यू। तो इसलिए यानी दिस डेटा, इस डेटा पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल मोर एप्लीकेबल है, तो इसलिए हमने फिर ये डेटा यूज़ करना है एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ करना है। ये है एली रिडील मैकेनिज्म के लिए। इसी तरह लैंगमर हेंचलरूड मैकेनिज्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं यानी एक्सेल को यूज़ करते हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो फिर LH में वो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं।